हाई गाइज सो फाइनली अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में बहुत लोग पूछते थे कि वहाँ पर कुसुम स्कीम कब लॉन्च होगा कब प्रोजेक्ट्स आएगा स्मॉल स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स तो देर अ गुड न्यूज़ सो महाराष्ट्र ने आज नोटिफाई uh, किया है एम एस सी डी सी एल के वेबसाइट पर दैट Uh, 1.3 गीगावाट मतलब 1300 मेगावाट के स्मॉल स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनके स्टेट्स में ऑन एग्रीकल्चरल लैंड एंड बेसिकली उस पावर को एग्रीकल्चरल लोड के लिए यूज़ किया जाएगा इसमें uh, इसकी नोटिफिकेशन जनवरी में आई थी महा मुख्यमंत्री कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत बट अब इन्होंने बोला है कि इसकी जो लाइंस हैं डेवलपर्स बिड कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए टिल मई सत्रह तक आ, उनके वेबसाइट पे जो रेट रखा गया है इसमें पीपीए का 25 साल का एम एस के साथ तीन रुपये पाँच पैसे रखा गया है हालांकि जो ड्राफ्ट कृषि वाहिनी योजना आई थी उसमें लिखा गया था कि इसमें बेसिकली दो कैटेगरी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे वो होंगे 11 के वी कनेक्शन के एंड तैंतीस के वी कनेक्शन के जो 11 के वी होगा उसका जो रेट रखा गया था वो था तीन रुपये चालीस पैसे एंड थर्टी थ्री के वी वाला थ्री रुपीज़ फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स हालांकि इस प्रेस नोटिफिकेशन में उसका मेंशन नहीं है इसमें तीन रुपये पाँच पैसे बताया गया है जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थी उसमें यह भी कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सपोर्ट करेगी इन प्रोजेक्ट्स पे थ्रू एक इंसेंटिव ऑफ थर्टी थ्री लैख पर मेगावाट तो और एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो टिकट साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो कुसुम की तरह 500 सौ किलोवॉट नहीं है बट इसमें जो प्रोजेक्ट साइज है वो दो मेगावाट से स्टार्ट होता है एंड दस मेगावाट तक होता है सो मिनिमम साइज इज टू मेगावाट सो अगर कोई दो मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाता है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसमें इंसेंटिवाइज कर रहा है थर्टी थ्री लैक्स पर मेगावाट के हिसाब से उस डेवलपर के लो डेवलपर को बट जो पॉइंट इज थर्टी थ्री लाख कैश नहीं मिलेगा वो चालीस पैसे पर यूनिट के हिसाब से एमएससी डीसीएल इंसेंटिव देगा फॉर द फर्स्ट फाइव ईयर्स सो एनी सो मुद्दे की बात यह है कि जो पहले पांच साल हैं अगर कोई ग्यारह के वी पे एक दो मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाता है तो उसको बेसिकली जो टैरिफ आएगा वो तीन चालीस uh, के ऊपर प्लस चालीस पैसे मतलब तीन अस्सी का टैरिफ पहले पाँच साल आएगा और अगले बीस साल तक तीन चालीस का रेट आएगा और जो थर्टी थ्री के वी पे है उसको पहले पाँच साल तक तीन चालीस मिलेगा और उसके बाद तीन रुपये अगले बीस साल तक मिलेगा सो so, uh, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में थी वो ये थी कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर सी यू एफ परसेंटेज पंद्रह परसेंट के ऊपर होना चाहिए एंड uh, जो लोग प्रोजेक्ट्स नहीं लगा पाएंगे जिनके पास उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का फाइनेंस नहीं है वो अपनी जमीन लीज पे भी दे सकते हैं डेवलपर्स को इंटरनेशनल डेवलपर्स को भी जो लोग इस प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे सो ऑल इन ऑल इट्स ए गुड न्यूज फॉर पीपल हु वॉन्ट्स टू री कैपिटलाइज देअर बैरन लैंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट वो इसमें कर सकते हैं टोटल उनतीस डिस्ट्रिक्ट ट्वेंटी नाइन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे एंड टोटल एग्रीगेटेड जो कैपेसिटी होगी वो एक हज़ार तीन सौ मेगावाट की होगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑन एम एस सी डी सी एल स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स जिनको इंटरेस्ट है वो इसमें अप्लाई कीजिए अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड डाउट है तो एक व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आप उस पर डाल सकते हैं रिगार्डिंग इफ़ यू वॉन्ट टू

डू डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिनेंशियल एनालिसिस और एनी थिंग वो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप वो कर सकते हैं डू इट योर सेल्फ मेकैनिज्म में आप फिनैंशियल एनालिसिस अपने प्रोजेक्ट्स का निकाल सकते हैं उसमें मैंने ऑलरेडी एक मेगावाट प्रोजेक्ट की एक्सेल शीट डाली हुई है आप उसमें बस पैरामीटर चेंज कीजिए और आपको उसमें उसका रिटर्न देखने लग जाएगा सो so, इसके अलावा अभी अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखे मैं कोशिश करूँगा आपके उसके रिप्लाई करने के लिए सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन जो इस पर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे एंड uh, uh, इसके अलावा आप बाकी अगर आपको नॉलेज चाहिए ऑन सोलर प्रोजेक्ट्स आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं आपको उसमें ग्राउंड मोटर प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी सो स्टेट ट्यून टू दिस चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियो विच आई अपलोड ऑन माई चैनल थैंक यू गुड नाइट